Assalamualaikum everyone, तो हम करने लगे हमारा अगला चैप्टर विच इज अबाउट प्रीनेटल डायग्नोसिस और जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसमें से भी बहुत ही थोड़ी सी चीजें होती है करने वाली, आप सिर्फ इतनी ही कीजिएगा, बाकियों पे जरा ज्यादा टाइम कोशिश करने के जाया ना करें। प्रीनेटल डायग्नोसिस नाम से पता चल रहा है कि हम किसी भी बीमारी को बिफोर द बर्थ ऑफ फीटस डायग्नोस कर लें, ठीक है। अभी बर्थ नहीं हुई फीटस की, तो बिफोर बर्थ अगर डायग्नोसिस हो जाता है फीटस की किसी भी एबनॉर्मेलिटी का, किसी डिजीज का, तो उसको हम कहते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस। अब देखें, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आपसे वाइवा में ये भी पूछते हैं भाई इसका क्या फायदा है। तो डेफिनेट सी बात, इसका फायदा ये कि अगर बिफोर बर्थ हमें किसी एबनॉर्मेलिटी का पता चल जाएगा तो अगर वो ट्रीटेबल है या मैनेजेबल है प्रीनेटली, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो। अदरवाइज डेफिनेटली वी कैन इजिली काउंसिल द पेशेंट, हम उन्हें ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर बल्कि हम उन्हें काउंसिल इस बारे में करेंगे कि फीटस की क्या सिचुएशन है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी सीरियसनेस किस हद तक है, बर्थ के बाद उसके लिए किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बर्थ तक जाना मुनासिब आपके लिए मतलब मदर के लिए एंड फीटस के लिए किस हद तक है, और बाद में जब बर्थ आपने दे दी तो उसके बाद अगर फीटस क्या क्या हालात हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नजर आ गए पहले से ही, शुरू से आपने सिंपली स्कैन ही किया और आप समझना आपको एन एन कैफली नजर आ गई, तो एन एन कैफली टोटली बर्थ के साथ वो है ही नहीं, उसका बर्थ यानी लाइफ के साथ वो कंसिस्टेंट है ही नहीं। अगर एक बच्चे की एन कैफली है तो इट इज टोटली आप समझ लें कि वो नहीं जिंदा रह सकता। तो आप मदर को बताएंगे कि बजाय ये कि वो पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी के गुजारे, जैसे ही आपको नजर आए वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराएंगे आप, ठीक है। इसी तरह अगर एक बच्चे को कोई आपको सिंड्रोम नजर आ गए, सपोज डाउन सिंड्रोम या कुछ, तो आप पहले से ही पेरेंट्स को उनके काउंसिल कर देते हैं कि भाई ये मसले बच्चे में पैदा होंगे बाद में, तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो अभी टर्मिनेट कर दें या फिर पैदा होने के अगर आप इंतजार करेंगे तो ये चीजें जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और फिर आप उन्हें आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में भी रिस्क बताएंगे कि कितने ज्यादा रिस्क है अगले आने वाले बच्चों में इस चीज का और मुख्तलिफ मजीद चीजों का, ठीक है। ये सारे इसके फायदा होता है। अब आपने इसमें से मजीद जो बात करनी है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एक अच्छा प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, तो देखिए प्रीनेटल डायग्नोसिस ना एक आप जाहिर बात है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। कभी भी आप डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे बगैर सोचे समझे तो नहीं करते ना किसी का भी। सबसे पहले आप स्क्रीनिंग टेस्ट ही करिए, तो स्क्रीनिंग टेस्ट की क्वालिटीज क्या होती है ये सबको ही पता है, वही वाली जो आपने शायद कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ी होंगी कि एक अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट वही होता है जो आपका सेंसिटिव ज्यादा हो, जिसकी सेंसिटिविटी अच्छी हो, जिसकी स्पेसिफिसिटी अच्छी हो, जो कि प्रिडिक्टिव वैल्यू जिसकी ज्यादा हो, जो कि एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब इन चीजों का मतलब क्या है, जब भी लफ्ज आएगा सेंसिटिविटी का, जैसे आपको पता है मोटी मोटा से बता देती हूँ, तो इसका मतलब है आसान लफ्जों में कि वो टेस्ट कितना ज्यादा एक बीमारी को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब अगर 100 लोगों का टेस्ट होगा तो जितना वो डिटेक्ट करेगा, अगर वो टेस्ट हम कहते हैं 70% सेंसिटिव है, तो इसका मतलब है कि अगर 100 लोगों को एक बीमारी है तो उनमें से 70 को वो ट्रू पॉजिटिव पिक करेगा। तो आपने हर लफ्ज के साथ ना मैंने एक लफ्ज याद रखा है, ठीक है, उस तरह आसान हो जाता है। ट्रू पॉजिटिव सेंसिटिविटी के साथ ये ट्रू पॉजिटिव को जितना ज्यादा डिटेक्ट करता है टेस्ट, ट्रू पॉजिटिव सेंसिटिव ज्यादा होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कितना ये उसी बीमारी को डायग्नोज करता है, ठीक है, और बाकी बीमारियों को मतलब सपोज एक 4-5 बीमारियां हैं जिनके बिल्कुल एक ही जैसे सिम्टम्स हैं। जैसे बुखार की बात करें तो बुखार बहुत सारी चीजों में आ जाता है, और आपका जब आया होता है तो आप टाइफाइड डेंगू समझ ले, बहुत सारी चीजें जो कि बुखार के साथ ही प्रेजेंट करती हैं। तो उसमें से वो टेस्ट जो कि स्पेसिफिकली उसी बीमारी को डिटेक्ट करेगा, वो स्पेसिफिसिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि डेंगू के लिए NS1 एंटीजन इज 90% स्पेसिफिक, इसका मतलब मैं जिसका NS1 कराऊंगी वो अगर डेंगू होगा तो लाजमी उसमें पकड़ा जाएगा, ठीक है, ये बात होती है। देन प्रिडिक्टिव वैल्यू, इसका मतलब है कि प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी है, नेगेटिव को कितना रूल आउट कर देते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आइदर वो इतना एक्सेप्टेबल यानी ऐसा है भी नहीं कि वो करा भी सके अगला बंदा, यानी मतलब वो अवेलेबल है और वो इतना चीप या कॉस्ट इफेक्टिव है कि अगला बंदा करा भी सकता है या नहीं करा सकता, ठीक है। देन डेफिनेटली वो रेलिवेंट होना चाहिए आपकी जो सारी हिस्ट्री एग्जामिनेशन उन सारी बातों से, ठीक है, ये मोटी मोटी सी बातें थी। अब जरा सा आपने ये याद रखना है कि कौन कौन से नॉन इन्वेसिव और कौन से इन्वेसिव टेस्ट हैं, यही बातें बस आपकी आती है एमसीक्यू और एससीक्यू में, तो इस वजह से इन्हीं को जरा सा ध्यान में रखिएगा। नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो अवेलेबल होते हैं उनमें आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में सिर्फ एमसीक्यूज ही आते हैं, ठीक है, इसका कोई ऐसा एससीक्यू नहीं आता होता, लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए। मैं आगे आपको डाउन सिंड्रोम बताऊंगी तो फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि उसमें क्या आपने पर्टिकुलर करना है, ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए। तो जो नॉन इन्वेसिव है उसमें सबसे पहली चीज अल्ट्रासाउंड स्कैन आता है, अल्ट्रासाउंड कैन डिटेक्ट वेरी मच मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज अल्ट्रासाउंड पता चल जाती है, और उसमें आपने 4-5 का नाम जरूर याद रखें, जिसमें जो इम्पोर्टेंट वाली है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, एनटीडीज, ठीक है, उसके बाद आपके कुछ जो जो आपकी गैस जो जीआईटी के डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें गैस्ट्रोसाइसिस एंड ऑफेलोसील है, ठीक है, या आपकी जो गट वॉल के यानी जीआईटी के डिफेक्ट्स होते हैं।
देन आपका जो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होता है, जिसमें एक बच्चे से दूसरे बच्चे में सारा ट्रांसफ्यूजन जा रही होती है ब्लड की, जिससे एक बड़ा हो जाता है और दूसरा फीटस बिल्कुल स्मॉल छोटू सा रह जाता है, ठीक है। एंड देन उसके अलावा मजीद कुछ वेंट्रिकुलोमेगैली वगैरह जो आप डिटेल में अगर देखें तो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने कम से कम ये नाम याद रखने, ठीक है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम TTS, ये आपने अल्ट्रासाउंड पे नाम लिखने, क्योंकि आपने लिखना होता है ना कि क्या क्या चीजें आप डिटेक्ट कर सकते हैं, तो कम से कम इतना लिखें क्योंकि अल्ट्रासाउंड काफी कुछ पता चला सकता है। फिर आता है आपका अगला टेस्ट विच इज नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि अभी आपने फीटस को या फीटस की जो आउटर कवरिंग है उसको ब्रीच नहीं किया, वो है सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, यानी आप मदर का ब्लड लेंगे और ब्लड में, मदर के ब्लड में, मेटरनल ब्लड में आप अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक करेंगे। अल्फा फीटोप्रोटीन क्या चीज है, रिवाइज आपको करा देती हूँ कि ये बेसिकली एक प्रोटीन होती है जो कि फीटस के लिवर में बनती है और ये ट्रांसफर हो जाती है थ्रू प्लेसेंटा थोड़ी बहुत इनटू द मेटरनल ब्लड, ठीक है। तो जाहिर है इसका मेटरनल ब्लड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ना कुछ लेवल होना जरूरी है, जिसका मतलब होता है कि फीटस थोड़ा काम अपना ठीक से कर रहे, ठीक है। इसका लेवल अगर हम मेटरनल ब्लड में चेक करें हमें बहुत ज्यादा मिले तो ये किसी ना किसी आपकी मेलिग्नेंसी या कार्सिनोमा या लिवर सिरोसिस की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है। बहुत सारी कंडीशन, मतलब ये कोई खास टेस्ट किसी खास चीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपका फीटस में ओवेरियन कैंसर का एंड लिवर प्रॉब्लम जो है वो इससे अंदाजा हो जाती है अगर इसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, मटर्नल ब्लड में। नॉर्मली एक नॉर्मल हद तक मटर्नल ब्लड में इसको होना चाहिए, ठीक है, फीटस से आ रहा होता है ये। फिर आपका आ जाता है अगला टेस्ट बीटा HCG का। आपको अच्छे से पता है कि बीटा HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। शुरू की प्रेगनेंसी में आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा होता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, और कुछ अर्से बाद ही जो आपका प्लेसेंटा है उसका बीटा HCG के जो लेवल्स हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो सारा का सारा कंट्रोल ले लेते हैं, ठीक है। तो बीटा HCG भी मेटर्नल ब्लड में एक नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन वही बात है कि नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। अगर ये बहुत एबनॉर्मल होगा तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई मोस्ट कॉमनली प्लेसेंटल एबनॉर्मैलिटी चल रही होती है या फिर आपकी फीटस में कोई कैरियोटाइपिंग की एबनॉर्मैलिटी होती है। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कैरियोटाइप क्या होता है आपको पता ही होगा कि कैरियोटाइप का लफ्ज आपने हजार दफा सुना हुआ है। कैरियोटाइप इज बेसिकली कि जब हम एक फीटस का सेल लें या कोई किसी का भी सेल लें किसी बंदे इंसान का, और हर इंसान के सेल के अंदर हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उन सारे के सारे 46 क्रोमोसोम्स को हम अलाइन करें, उनकी एक एक पिक्चर बनाएं जिसमें हर क्रोमोसोम की तस्वीर होगी, ठीक है, कि वो किस तरह का है, उस पूरी तस्वीर को कैरियोटाइप कहते हैं, जिससे पता चलता है कि एक बंदे के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, वो नॉर्मल शक्ल की है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो बीटा HCG बहुत ज्यादा रेज्ड आता है तो एक तो आपको सिंपली पता है कि वो जो ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज होती है हमारी, यानी कि जो मोलर प्रेगनेंसीज होती हैं, ठीक है, हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल्स जो आपने पढ़े होंगे, उसमें बीटा HCG बेहद ज्यादा हो जाता है, मतलब लैक्स में चला जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस या फिर हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको कि उसमें एक कंप्लीट मोल था और एक पार्शियल मोल था, उसमें फीटस ऑलमोस्ट बनता ही नहीं है। जो पार्शियल मोल होता है उसमें फीटस थोड़ा सा बनता है, थोड़ा सा फीटल पोल मौजूद होता है, लेकिन जो कम्प्लीट मोल है उसमें देयर इज नो फीटस, ठीक है। तो उन मोलर प्रेगनेंसीज में फिर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू होता है। ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू कौन सा था, वे सारी पुरानी बातें हैं, वैसे आपको बताऊंगी लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करानी ताकि याद आ जाए। ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू वो था कि जब आपका याद होगा कि शुरू में जब बनता है एक सारा का सारे सेल्स जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो शुरू में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक होता है सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। तो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट थे वो बाहर वाले सेल्स थे और साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर वाले थे। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट थे वो तो फीटस के साथ कुछ पार्ट बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो सेंसिटिव है वो सारे के सारे प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल विल्लाई बनाते हैं। जो ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज होती है, मोलर प्रेगनेंसीज होती है, उनमें ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बेहद ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बीटा HCG लैक्स में चला जाता है। तो ये अगर बहुत ज्यादा होता तो ये उसकी तरफ इंडिकेट करता है। थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब जो कि एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फिर भी ट्रोफोब्लास्टिक एबनॉर्मैलिटी या तो प्लेसेंटल एबनॉर्मैलिटी होती है कोई ना कोई, क्योंकि ये जो सारे सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है ना, ये सारे प्लेसेंटा बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो या तो प्लेसेंटल एबनॉर्मैलिटी है या फिर फीटस कोई जीन डिसऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि जो फीटस जीन डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी जो कैरियोटाइप जीन डिसऑर्डर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, यही वाले आपके डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13 और जो आपके बाकी जो भी एक्स एंड वाई वाले डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी ये होता है कि ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो होते हैं वो एक्सेसिव बीटा HCG बनाते हैं, ठीक है। तो बीटा HCG इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी पर्टिकुलर डिजीज। फिर आप कहो कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है कि आप चेक कर सकते हैं, ये भी सब कुछ हम मेटर्नल ब्लड से करें, अभी तक हमने फीटस को नहीं छेड़ा, ठीक है। फीटस और मदर के दरमियान में आप उनका चेक कर सकते हैं कि RH स्टेटस क्या है, मतलब आप जिस तरह फीटस RH नेगेटिव है एंड मदर इज RH पॉजिटिव और नॉट, ये पता चल सकता है। अभी किस तरह पता चलेगा, मदर का तो पता चल जाएगा, सिंपली आप मदर का ब्लड ग्रुप कर लेंगे तो मदर का पता चल जाएगा वो RH नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
फीटस का पता चलता है बाय सेल्फ फ्री फीटल डीएनए। ठीक है, ये क्या होता है, असल में कुछ फीटल के जो सेल्स है ना उसमें से डीएनए जाके शट ऑफ होके मदर के ब्लड में थ्रू प्लेसेंटा चला जाता है। ठीक है, वो सेल्स नहीं होते, वो सिर्फ सेल्फ फ्री फीटल डीएनए होता है। ठीक है, ये नाम से देखे आपने पता चले ना, सेल्फ फ्री फीटल डीएनए मतलब कि ऐसा डीएनए विच इज नॉट इनसाइड द सेल्स, इट इज सेल्फ फ्री डीएनए। ये थोड़ा बहुत अमाउंट में मदर के ब्लड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्कुलेट कर रहा होता है। ये अभी नई से मुराद है कि बाकी चीजों की निस्बत एक नई टेक्नोलॉजी, पहले ये नहीं पता होता था कि ऐसा भी कोई डीएनए मौजूद होता है मैटरनल ब्लड में, और इससे काफी फायदा हो जाता है क्योंकि आप अगर मदर का ब्लड लें और उस ब्लड में से आप वो वाला डीएनए एक्सट्रैक्ट करें जो कि फीटस का है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अबाउट ये फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके हमें बहुत फायदा हुआ क्योंकि हमें कोई इन्वेसिव टेस्ट के बगैर अंदाजा हो जाता है कि फीटस इज आरएच नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो भी उसका स्टेटस है, और उससे हम फिर मदर को उस हिसाब से अगर हमें एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन देना हो तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ फीटल डीएनए इज इम्पोर्टेंट, ये तो आपके आरएच स्टेटस का बहुत अच्छे से आपको बता देता है, और दूसरा जो कोई आपके ऐसे होते हैं ना स्केलेटल डिस्प्लेजिया होते हैं जो कि एक्स लिंक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एकोंड्रोप्लेजिया है वो एक्स लिंक डिसऑर्डर्स में आते हैं, वो भी आप उस डीएनए से डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है डिटेक्ट करना क्योंकि वो एक सिंगल डीएनए का पीस होता है, उससे आप सिंगल जीन डिसऑर्डर्स कई बार नहीं डिटेक्ट कर पाते, लेकिन यू कैन डिटेक्ट द एक्स लिंक डिसऑर्डर जैसे एकोंड्रोप्लेजिया वगैरह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। उसके बाद आ जाते हैं हमारी अपने मदर के ब्लड से और क्या कर सकते हैं, आप बीएसआर यानी मदर की ब्लड शुगर रैंडम चेक करेंगे तो गेस्टेशनल डायबिटीज का पता चलेगा। गेस्टेशनल डायबिटीज का पता चल जाएगा आपको, यानी आप देखेंगे कि मदर के शुगर ज्यादा है तो उससे आप एक फीटस की बड़ी होने वाली अबनॉर्मेलिटी को रोक सकते हैं अगर आप मदर की शुगर को कंट्रोल कर लें। ठीक है, अब पता है कि अगर मदर को डायबिटीज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फीटस पे बहुत बुरा असर होता है, माइक्रोस्कोमिक फीटस होता है और उसकी बहुत सारी और मसले होते हैं, तो सारे मसले प्रिवेंट किए जा सकते हैं सिंपली बाय ब्लड शुगर रैंडम ऑफ मदर। और मदर की यूरिनरी प्रोटीन्स, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यूरिनरी प्रोटीन्स आपको बताती हैं अबाउट प्री एक्लेम्पशिया। जब आपको मदर के यूरिन में रूटीन में आप चेक करते हैं यूरिनरी प्रोटीन्स का लेवल, अगर वो आने लग गया मतलब यूरिन में प्रोटीन्स आने लगी है मदर के, तो इसका मतलब है कि मदर इज गोइंग इन सम बैड कंडीशन, या तो कोई रीनल डिसऑर्डर है या फिर मोस्ट प्रोबेबली वो प्री एक्लेम्पशिया होता है विच कैन ऑल्सो हैव वेरी वेरी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन मदर एंड द फीटस, तो इसलिए फिर आप उसको भी टाइमली ट्रीट करते हैं बाय डिफरेंट मेडिसिन। तो ये तो हो गए नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जो आपको अंदाजा दे देते हैं फीटस में होने वाली कंडीशंस का। फिर कुछ होते हैं आपके इन्वेसिव टेस्ट। ठीक है, इन्वेसिव टेस्ट में आपकी दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, तीन आपने बेसिकली टेस्ट के नाम लिखने, आपने लिखना है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, दूसरा आपने लिखना है एमनियोसेंटेसिस, और तीसरा होता है कॉर्डोसेंटेसिस। ठीक है, तीनों को बारी बारी में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करूंगी जितना आपको एमसीक्यू एसीक्यू में आएगा। अब एसीक्यू में कई बार आपसे सिंपली पूछ रहे थे व्हाट इज कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, बहुत ज्यादा यह आता होता है कि इसका मिसकैरेज का रिस्क इसमें कितना है, किस वक्त किया जा सकता है और क्यों करते हैं। ठीक है, तो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग नाम से देखें सैंपल लेना कहां से, कोरियोन का वर्ड हमेशा हम प्लेसेंटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको पता है ना कि बच्चा जो इनक्लोज होता है फीटस यानी कि उसके गिर दो लेयर्स होती हैं, एमनियन होती है एंड कोरियोन होती है, तो जो कोरियोनिक लेयर है यही इसमें प्लेसेंटा होती है, जैसे हम कोरियोनिक का वर्ड ज्यादा प्लेसेंटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोरियोनिक यानी प्लेसेंटा के जो विल्लाए हैं विल्लस, क्योंकि प्लेसेंटा में आपको पता है ना कि ऐसे करके अगर प्लेसेंटा है तो उसका स्ट्रक्चर अगर आप याद करें तो उसमें ऐसा था कि यूं करके ना विल्ला ऐसे बने होते थे, प्रोजेक्शंस बनी होती थी, और उन प्रोजेक्शंस के अंदर जो साइनोसाइट्स थे वहां पर क्या था, ऐसे फीटल ब्लड प्रेजेंट था और यहां पर मटर्नल आर्टरीज आती थी स्पाइरल आर्टरीज, यहां मटर्नल स्पाइरल आर्टरीज में से फीटल सॉरी बल्कि मटर्नल स्पाइरल आर्टरीज में से ब्लड आता होता था, फीटल ब्लड यहां पर पड़ा होता था और उन दोनों में एक्सचेंज होती थी, मतलब ये सारा की ये विल्लस का स्ट्रक्चर होता है सारा जो प्लेसेंटा का होता है। तो अब बात बताने की ये थी कि हम क्या करते हैं कि हम इस डेवलपिंग प्लेसेंटा के जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ये बना रहे हैं ना सारा प्लेसेंटा, तो इस डेवलपिंग प्लेसेंटा के जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है इसमें से हम सैंपल लेते हैं, इसलिए इसका नाम कोरियोनिक विल्लस सैंपलिंग रखा हुआ है कि विल्ला ऑफ द प्लेसेंटा में से सैंपल लेना है, और उस सैंपल में फिर हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो फीटस के उसको चेक करते हैं। अब जाहिर अगर हमने प्लेसेंटा में से सैंपल लेना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो ये कोई आसान काम तो नहीं होगा, ये तो इन्वेसिव प्रोसीजर होगा, इसलिए इसको इन्वेसिव में रखा गया। और इसको परफॉर्म दो तरीकों से किया जा सकता है, एक इसका तरीका होता है टू परफॉर्म इट ट्रांस एब्डोमिनली। ट्रांस एब्डोमिनली का मतलब ये है कि आप ऐसे डायरेक्टली पंक्चर करेंगे आप एब्डोमिनल वॉल को फीमेल की, उसके बाद आप उसकी जाहिर है यूट्राइन कैविटी को या फिर जो भी कैविटी इनसाइड द बेबी है उसको भी इन्वेड करेंगे, उसे पंक्चर करेंगे और अंदर जाके प्लेसेंटा से सैंपल लेंगे। एक ये तरीका होता है ट्रांस एब्डोमिनल प्रोसीजर, और दूसरा होता है आपका ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर जिसमें आप अल्ट्रासाउंड गाइड, दोनों आपके अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही करनी है। ठीक है,
जो आप ट्रांस एब्डोमिनल करते हैं उसमें भी आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल अंदर लेके जाते हैं, और जो ट्रांस सर्वाइकल करते हैं उसमें भी आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल लेके जाने थ्रू द सर्विक्स, और मतलब वजाइना से जाएंगे सर्विक्स में जाएंगे और वहां से फिर आप जाहिर है यूट्रस को इन्वेड करके अंदर जाके प्लेसेंटा से आप सैंपल लेंगे। अब इसमें क्या किस कौन सा प्रोसीजर करना है ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। ट्रांस एब्डोमिनल प्रोसीजर ज्यादा किए जाते हैं और वो ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं जब आपका प्लेसेंटा कहीं पर भी सामने हो। सामने से मुराद है कि अगर फीमेल ऐसे लेटी हुई है, जाहिर सुपाइन पोजीशन में उसे लिटाएंगे और ये उसका सपोज कर लेंगे पेट है, ठीक है, और ये फीमेल है और ये उसका सर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर उसका प्लेसेंटा जो है वो यहाँ ऊपर की तरफ है या सामने इंटीरियर वॉल में है या इस जगह पर है तो यू कैन इजिली डू ट्रांस एब्डोमिनल प्रोसीजर। लेकिन अगर जो फीमेल का प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर वॉल में है या बिल्कुल यहाँ पर लो लाएंगे तो फिर आपको इधर से ट्रांस एब्डोमिनल प्रोसीजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ये यूट्रस में है तो यहाँ आगे सारा आपका फीटस पड़ा हुआ होगा, तो फिर आप यहां से इधर तक जाए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उस सिलसिले में फिर आप ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है करने का। जो भी हो आपने करना है कि आपने सिंपली तो कुछ सेल्स ले होते हैं फ्रॉम डेवलपिंग प्लेसेंटा, अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर होता है और कोशिश की जाती है कि मिनिमम वो किया जाए डैमेज टू फीटस या मदर। इसको हमेशा करने से पहले आपने एक दफा अल्ट्रासाउंड स्कैन करना होता है, उसमें कुछ चीजें देखनी होती है विच आर वेरी नेसेसरी प्री रिक्विजिट्स जिनको कहते हैं। वो इनिशियल स्कैन में आप क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले तो आपने कंफर्म करना होता है कि फीटस वायबल है या नहीं है, क्योंकि अगर आप फीटस ही आपका वायबल नहीं है और आप बिला वजह इतना मुश्किल सा टेस्ट कर रहे हैं उसका कोई फायदा ही नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं होती करने की, क्योंकि फिर तो सिंपली आपने फीटस को डिलीवर कराना होता है। तो फीटस की वायबिलिटी चेक करना जरूरी है, जिसको आप फीटल हार्ट बीट से चेक करते हैं, ठीक है, वायबिलिटी। उसके बाद आप कंफर्म करते हैं कि आइदर इट इज सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल है, क्योंकि सिंगल प्रेगनेंसी में तो ये ठीक है आराम से हो जाता है, फायदा भी होता है, लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसीज में एक तो आपकी डिजीजेस डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है इसके थ्रू, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज में इसको परफॉर्म करना भी मुश्किल होता है क्योंकि फीटस को डैमेज करने का खतरा बढ़ जाता है ना, तो इसलिए सिंगल में ही ज्यादा इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर आपने देखनी होती है कि गेस्टेशनल एज क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हर टेस्ट हर एज पे नहीं हो सकता। जैसे ये टेस्ट आप कभी भी 10 वीक्स से पहले नहीं करते, ठीक है, इसका टाइम ऑफ डूइंग आफ्टर 11 वीक्स है इसका टाइम, बल्कि ठीक है 10 वीक्स के बाद 11 वीक्स ऑनवर्ड्स आप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करते, क्योंकि उससे पहले प्लेसेंटा बहुत थोड़ा डेवलप हुआ हुआ होता है एंड यू कैन वेरी मच हार्म द डेवलपिंग प्लेसेंटा, ठीक है। तो आपने कभी भी 10 वीक से पहले नहीं करना होता। और उसके बाद आपने चौथा काम क्या करना है, स्कैन पे लोकलाइज करना है प्लेसेंटा को, ठीक है। इनिशियल स्कैन पे आपने चार चीजें कर ली, वायबिलिटी देख लेनी है, सिंगल फीटस देख लेना है, गेस्टेशनल एज कितनी है वो कंफर्म करना है, और लोकलाइज करना है प्लेसेंटा को ताकि आपको पता चले कि आपने प्रोसीजर ट्रांस एब्डोमिनल करना है या ट्रांस सर्वाइकल करना है। मिस कैरेज का रिस्क इसमें ऑलमोस्ट 2% है, या आपका एमसीक्यू आता होता है, टाइम इसका 11 वीक्स ऑनवर्ड होता है। और बेनिफिट्स क्या होते हैं कि वही आप इसे जब लेंगे ट्रोफोब्लास्टिक सेल डेवलपिंग प्लेसेंटा के, तो यू कैन डिटेक्ट ऑल द सिंगल जीन डिसऑर्डर्स जिसमें आपके ट्राइजोमी 21 यानी एक्स डाउन सिंड्रोम, जो आपका ट्राइजोमी 13 है, ट्राइजोमी 18 है, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स है, वो सारे इसमें आपको पता चल जाते हैं। और इवन यू कैन गो फॉर मजीद जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो सारे आपको इससे अंदाजा हो जाते हैं, ठीक है। प्लेसेंटल मोसेसिज्म को भी कभार इसके थ्रू हमें मिलता है, क्योंकि प्लेसेंटल सेल्स होते हैं ना, प्लेसेंटल मोसेसिज्म का मतलब होता है कि हमें बिल्कुल दो डिफरेंट तरह के सेल लाइन्स एक ही प्लेसेंटा में मिलती है। मोसेसिज्म जब भी वर्ड आए ना, ये मोसेसिज्म, इसका मतलब हमेशा ये होता है कि दो डिफरेंट सेल लाइन्स होना। तो ये दो डिफरेंट सेल लाइन्स कभी कभार सिर्फ प्लेसेंटा तक ही कन्फाइंड होती है, कभी ये फीटस में भी ऐसा ही होता है। तो फीटस में ऐसा होगा, मोसेसिज्म होगा, तो यकीन कोई ना कोई डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होगा, लेकिन इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपसे कोई नहीं पूछता। बस इतना याद रखना जितना मैंने बता दिया, अभी तक इसे कोई मसला हो ये कि नास्मी। थैंक यू।